अभी कुछ हफ्ते रह गए हैं देश के सबसे बड़े डांस कॉम्पिटिशन के। जी हाँ, आज हमें मिल जाएंगे सुपर सिक्स डांसिंग स्टार्स, यानी आज छह डांसिंग स्टार्स की तकदीर की टोपी का पंख होगा सुनहरा। वेलकम टू मारुति सुजुकी डांस इंडियाडांस सीजन 4 पावर्ड बाय quicker.com। आज एक आम इंसान के सपनों के सुनहरे होने की शुरुआत के मौके पर आने वाला है वो आम इंसान जो पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिल में एक खास जगह रखता है। गेट रेडी, स्वागत कीजिए इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान का। Sit down, guys. Dada, dada, sit, dada, dada, please, dada. Oh, shuru ho gaye. Aha. Show ko aage leke chalo. आपका बहुत बहुत स्वागत है डांस के सबसे बड़े मंच पर। डेजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे सलमान भाई, आपकी इस फिल्म में आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? मेरे कैरेक्टर नाम है जय। क्यों पूछा? छोरा गांडा खाइयो। पूछ रही है कि क्यों पूछा? क्यों पूछा? नहीं, ऐसे ही, मतलब मैंने देख लिया वो एक्सप्रेशन। वाह यार, दादा मैं भी कैसा ट्यूबलाइट हूँ, इसका भी तो नाम जय है यार। जय विद अ, जय विद अ वाई। दिस इज जय विद अ वाई एंड दिस इज जय विद अ लाइक जया जी। नहीं, दिस इज जय विद अ आई, लाइक जय हो। अच्छा, अलग है भाई। आपकी फिल्म का नाम जय हो है, जय की लोनी है दादा। क्या कर रहे हो दादा? आपके शो में आए बैठने के लिए नहीं बोलोगे आप? अरे प्लीज, अरे यार, कब से यहीं पे। प्लीज सलमान भाई एंड डेजी, प्लीज टेक योर सीट, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक यू।
All right. तो चलिए एक एक सेकंड एक सेकंड दादा आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दादा अगर लड़का और लड़की में चॉइस हो के पास बैठने में चॉइस हो तो आप किसके पास बैठना पसंद करेंगे लड़का और लड़की किसके पास मैं बैठना पसंद करूंगा नेचुरली लड़की के पास दादा प्रॉब्लम ये है कि ये चॉइस आपके पास नहीं ये चॉइस मेरे पास था मैं जा रहा हूं थैंक यू फॉर योर सजेशन दादा कट शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा ऑलराइट देन शुरू करते हैं फिर चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे डांसिंग स्टार्स के डांस के दबंग परफॉर्मेंसेस की तरफ अपने डांस से लेने आपका दिल जीत रेडी है मुदस्सर की मंडली के ये पार्टनर्स तो लेकर अंदाज अपना अपना पेश है दिल्ली के डैशिंग स्टार धीरज और बॉलीवुड डांसिंग के किंग श्याम यादव जोरदार तालियां मान मेरा कहना अब जिद करना मान मेरा कहना अब जिद करना अरे पहले कुछ बोल तो सही चल मेरे भाई 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 उठने को नहीं हो रहा है चलने को बोल रहे हैं बोले उठाओ तो सही शराब नहीं पीना लिवर सड़ जाएगा रे भाई कुल हो गया है कुल हो गया है बात ये समझ तेरी आई पहली बार बोला है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ अरे चल ना मेरे भाई अरे चल ही तो रहो भाई अरे किधर चल रहा है तू यार मैं ना इधर उधर इधर से वो उधर इधर पुंगी तू कहता था कि मैं हूँ तेरा यार मेरे जीवन की किसे नहीं है तुझे प्यार छोटा है तू मैं हूँ तुझ से बड़ा कम नहीं कर मेरी इज्जत बढ़ा सॉरी यार भाई मिस्टेक बिकेम रॉन्ग आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएंगे ओके सुन मेरे नाटू सुन मेरे बेटू हंस रहा हम ऊंची देख हंस रहा हूँ ओके हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी हमका पीनी है पीनी है अरे बोलता है पकड़ा भाई लाइन में आ शराब नहीं पीना लिवर सड़ जाएगा रे भाई भाई मैं भूल हो गया है मैं भूल हो गया है न बात ये समझ तेरे आई चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे भाई मारिया ब्रदर हिंदुस्तान के अंदर देयर आर ओनली थ्री एक्टर्स वन इज मिस्टर दिलीप कुमार सेकेंड इज मिस्टर अमिताभ बच्चन और तीसरा इज कोरोना अरे तू है मेरे भाई फैंटास्टिक जोरदार तालियां हो गई श्याम और धीरज के लिए धीरज श्याम बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि धीरज सिर्फ श्याम को सपोर्ट करने आया था सो हम धीरज को जज नहीं करेंगे इस परफॉर्मेंस पर सिर्फ श्याम को हम जज करने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे सलमान सर से ही सलमान सर आप मुझे बड़ा मजा आया और इसमें एक गाने में मुझे बेस्ट चीज ये लगा है कि आप बिल्कुल संजय दत्त की तरह नाचे हो ये तो मेरी तरह नाचता ही है सलमान एक बात बोलो मैं इससे बात कर रहा था ये कह रहा था कि दादा जिंदगी भर मैं सलमान भाई डांस करते थे हम पीछे रहते थे और पीछे डांस करते थे
इस मंच ने हमें वो दिया है कि आज मैं डांस कर रहा हूं सलमान भाई के सामने। उसके दिल की इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। इफ यू फील, नहीं नहीं ऑफ कोर्स, क्या क्या करना दादा? उसके दिल की एक इच्छा है कि इस मंच के ऊपर कि वो सामने नाच, मैं पीछे नाचूं? नहीं, आपके सामने। नहीं नहीं दादा, ये शाने बच्चे लोग हैं। क्या बात है, तू मां की कसम खा के बोलना, जब तू मुझसे मेरे साथ नाचता है तो तू आगे नाचता है या पीछे नाचता है? आगे। मैं आपको रीजन बताता हूं, ये आगे इसलिए रहते हैं ताकि मुझे ये दिख सके। अगर मैं आगे हूं तो मुझे पता ही नहीं कि पीछे क्या चल रहा, मैं आगे क्या कर रहा हूं। और कभी कभी एक्साइटमेंट के अंदर ऐसा इतना जोश आ जाता है ना, वहां से ये सब ये दादा, इसके अंदर ना ये स्टेप एक एक बार ज्यादा हो जाता है, जो आगे का स्टेप इस एक्साइटमेंट में भूल जाता हूं। और फिर आप कोई भी शो रिपीट करके देख लीजिए, आप एक सडनली वो आता है, इसका मतलब स्टेप भूल गया, इसका भी मतलब स्टेप भूल गया। और फिर यहां पर आता हूं, देखता हूं क्या हो रहा, और फिर टर्न मार के मार कुछ स्टेप, ये अब इन लोगों का क्या चक्कर है ना, सारा कमान मूड मूड, इन लोग इतना जोर से मूड चिल्लाते हैं कि मैं थक जाता हूं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये एक्टर ये क्या नाचेगा, ये जो डांसर्स की है ये ना कमान, कि हम इसको इनकरेज दे रहे हैं कि सर डोंट वरी सर हम हैं सर, वो उसमें मैं और डिमोरलाइज हो जाता हूं कि इनको ऐसा लगता है कि मैं नाच ही नहीं सकता हूं। और फिर वो सब लेने के बाद इतना प्रेशर में जब स्टेज पे जाता हूं, और वहां पर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस रमेश तोरानी साहब वहां पे बैठे रहते हैं, रमेश जी वहां पर बैठे हैं, और वो और सामने बैठे जी सामने बैठे रहते हैं वो, और प्रभु मैं देखता हूं, मुझे हंसी छूट जाए, मैं स्टेप भूल जाता हूं। और फिर अमित जी बैठे रहते हैं, कि ये क्या कर रहा है, तो उनको देख के और से भूल जाता हूं। एक बार हो जाए शाम, चलो तुम दो, तुम्हारी दिल की इच्छा पूरी हो जाए। गो फॉर श्याम, सलमान अभी भूल गया, सलमान अभी भूल गया, अभी तो भूल गया, अभी तो भूल गया। पूरा भुला हुआ ही था। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मैं क्या कहूं, आप सबकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है। आज ये हाथ गाड़ी यहां पर है, आप हैं, हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, तो कुछ बन रहा है मूड में, तो एक परफॉर्मेंस आपका और दादा का भी हो जाए, मजा आ जाएगा। एक कोई कोई ये पहली बार देख रहा हूं, मौत इन्हीं नहीं आती। अरे दादा हाथ गाड़ी से याद आया मेरे को, दादा तुझे कुछ नहीं, नहीं 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 सुपर दादा सुनो तो, तुझे कुछ नहीं दादा, दादा 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 मैं खून में लथपथ हाथ गाड़ी पे लेटा हूं, और आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचा रहे। और करो ग्राइंड के लिए तेरा तो मैं बोलू ना, Thank you.
कहीं जरा समझ के लिए चलना या तेरा को मैं हॉस्पिटल लेके जाएगी अभी तब तब सो जाता हूं देख मेरे को लुंगी उठा के मैं क्या क्या करती हम ये लुंगी उठाती तुमको डिस्को दिखाती हम ये लुंगी उठाती तुमको डिस्को दिखाती जोश में आती तो फिर सबकी चुप्पी हम कर जाती बारी बारी हम तुम सबकी ढोलक बजाती आई एम कृष्णन अय्यर यंगे आई एम नारियल पानी वाला आई एम कृष्णन अय्यर यंगे आई एम नारियल पानी वाला आई एम नारियल पानी वाला आई एम नारियल पानी वंस मोर मैं दादा हाथ गाड़ी पर आएंगे मैं भी चलो फिर इन बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि भूल ही गए भाई इन लोगों ने परफॉर्मेंस दे दिया अरे यार चलो फिरोज भाई बोलो शाम धीरज बहुत ही स्वीट एक्ट था वेरी नाइस ऐसा लग रहा था मैं एक फिल्म का गाना देख रहा हूँ टीवी पे एक्ट पे आऊंगा पूरे एक्ट में मुझे सबसे अच्छा एक वाव एलिमेंट लगा जब आपने एनिमेटेड स्लोमो किया आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्ट दैट वन स्टेप सो आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक थैंक यू सो मच शाम एंड धीरज आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस पहले तो आपके लेग के कॉम्बिनेशन आपने वहां जो किए जहां पे ये हाथ गाड़ी पे थे एंड आपने वो सेम मनूवर इंटरप्रेट किया ऑन द फ्लोर चल मेरे भाई वेरी नाइस आपके जितने भी लिरिकल पोर्शंस थे स्पेशली फॉर यू शाम के जितने भी डायलॉग पोर्शंस थे कोरियोग्राफी में किया आई थरली एंजॉयड द एक्ट एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच यही बोलूंगा कि क्या परफॉर्मेंस किया है तुम लोगों ने एकदम किलर जैसे थिएटर में भाई के एंट्री पे पब्लिक उड़ाती है चिल्लर चलो कोई बात नहीं बहुत अच्छा किया इसको और बरकरार रखो और अच्छे से परफॉर्मेंस देते रहो कारण की आपला डांस भारी है आणि मंडली आपले आभारी है क्या बात है शाम धीरज दोनों की बोलूंगा बट क्या एनर्जी है लवली फैंटास्टिक गाने में मतलब उड़ा के लेके गए और सबसे बड़ी बात देखो जब स्टेज परफॉर्मेंस स्पेशली ऑन स्टेज एनर्जी अगर कहीं गिरे ना तो खत्म सो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन सभी के सभी ये फील कर रहे थे वी आर देयर टुगेदर तो इसके लिए मेरी तरफ से तो बनता ही है क्या बात थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर एंड सलमान सर आपको एक और टैलेंट दिखाना चाहूंगा मैं श्याम और धीरज का दो सेकेंड के अंदर ये प्रॉपर्टी है यहां से यहां तक लेके जाते हैं इन 1 2 3 दादा आज मेरा भी जरा काम में ध्यान नहीं लग रहा दादा क्यों डेजी आई है इसलिए हाँ दादा डेजी को देखकर काफी लेजी हो रहा हूँ मैं आज अच्छा हाँ दादा गुजराती है ना मतलब वो कनेक्शन भी है मतलब अच्छा? एक गुजराती गाना भी है आपके फिल्म में तारो तो कौन सा गाना जो तारो फोटो नथी 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 जो तारो फोटो नथी तो फोटो क्या गाती है आज तो हमारा देखिए यू नो कितनी मुस्कुरा रही है मुझे देखकर वो चाहती है कि मैं आऊं उनको यू नो यहाँ पे मंच पे बुलाऊं वो गुजराती गाने पे दोनों एकदम ढकर है लग मेरा लग देखो मेरे पास दो जे हैं क्या बात है तो अभी जाओ छोरा कांडा भैया तू लगी तो तारा फोटो पर चल दे Nadi, Nadi, Nadi.
तो दिखाने अपने लव के बंधन की कहानी, अपने डांस की जुबानी आ रहे हैं मुदस्सर की मंडली से, दिल्ली के डैशिंग डांसिंग स्टार धीरज और मुंबई की डांसिंग मैनियक स्वराली। तुमको तो आना ही था जिंदगी में, देर हुई आने में क्यों, जीना मुझे है बस तेरे लिए, जो भी करूं it's only for you, because I love you, I love you, because I love you, I love you till the एक धीरज एंड स्वराली, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। एंड मैं देख रहा था कि हमारे ग्रैंड मास्टर काफी इमोशनल हो गए थे इस एक्ट को देखकर। सो पहले हम उन्हीं से जानते हैं, ग्रैंड मास्टर आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? इमोशन से ज्यादा बह गया था, क्योंकि ये दोनों एक साथ जब भी स्टेज पर आते हैं, दे क्रिएट सम मैजिक। आज भी मैं ढूंढ रहा था व्हाट वुड बी द एक्स फैक्टर, और एग्जैक्टली राइट टाइम पे राइट जगह में आके आखिर में दिल छू के चले गए। दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। सलमान सर, आप बताइए, आप ही की फिल्म का ये सॉन्ग है, सो आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? डीजी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मैं इनका थॉट छीन लूंगा, चुरा लूंगा, तो ये पहले बोल रहे हैं, उसके बाद। यस देसी, डांसर्स के साथ ये एक्टर्स भी बहुत अच्छे है। दादा ने कहा कि इमोशंस में बह गए, तो यहाँ भी यही हालत थी, इमोशंस में मैं भी बह गई थी। थैंक यू डेजी।
अब सलमान सर। लिप्स आपके बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा इमोशन था आपका, और वो जो एक एंड का जो स्टे था ना, यू नो इन द स्नो, वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, दैट होल्डिंग दैट इमोशन, दैट स्टेप, दैट इज नथिंग टू डू दैट, इट जस्ट टू होल्ड दैट इमोशन, कैन आई लॉस्ट माई हस्बैंड, यू नो आई एम वेटिंग फॉर माई टाइम टू कम सो आई कैन स्पेंड टाइम विद माई सोलमेट, दैट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। थैंक यू सो मच सलमान सर। चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर फिरोज से। धीरज स्वराली, ऑलवेज हमेशा की तरह आप लोग हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस देते हो, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजन का आप दोनों का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। थैंक यू सर। आई थिंक इसमें सब कुछ था, सिंप्लिसिटी थी, एक्सप्रेशंस थे, प्योर डांसिंग था, और एक थॉट था। So I think for that thought, I would love to big a round of applause to Master Mudassar, seriously. Because childhood se leke budhape tak jo journey aap log ne dikhai hai in 2 minutes, it was very clean and well defined, you know. Aapki jitne bhi air lifts the, jitne bhi aapne inko elevate kiya tha mid air, those lifts were really nice, especially one which one hand aapne unko turn karte hue 360 le gaya aur fir niche bhi leke aage saath mein. That is a lot of strength you need for that. So I think I just want to just wish all the very best, and for me it is a ferocious performance. Dheeraj aur Swarali, wo kya movement tha aapne jo kiya ki ek knock on the heart and the hand goes and it comes back. Beautiful, what thought. I think for me that was magical. आप डांसर्स बहुत ही बेहतरीन हो, लेकिन आपने जिस तरीके से कैरेक्टर्स को, इट वॉज थिएट्रिकल, इट वॉज वेरी नाइस, सिंपली परफॉर्म्ड एंड ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड, एंड फॉर मी दिस परफॉर्मेंस इज मुआ 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 जुम्बारी जिरी जिरी जान जाते। मास्टर मुदस्सर, वन मोर रोमांटिक एक्ट फ्रॉम यू, डे बाय डे आपके रोमांटिक एक्ट बहुत ही शानदार बनते जा रहे हैं। क्योंकि पर्सनालिटी रोमांटिक है तो ये रोमांटिक एक्ट्स बराबर होंगे ना दादा। सर आप ज्यादा जानते हो उन्हें, मैं कम जानता हूँ। मैं इतना जानता नहीं हूँ इनको, क्योंकि मुझे आज एक झटका पड़ा, एक शॉक लगा है मेरे को। क्या किसने एक बात मुझसे छुपाई है? कौन सी यार? छोड़ो ना दादा, अभी बोलना बोलना क्या है। मैं इसको कब से जानता हूं दादा, जितने ही मेरे हिट गाने हैं इन्होंने किए। अभी दादा एक बात छुपाई इसने मुझसे यार। क्या रे, क्या बोल, क्या है दादा? कोकम कौन है? कोकम? हम सोच रहे थे हम इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन भाई को तो सब कुछ पता है। कोकम इशिता का नाम कोकम है। मेरा नाम नहीं है कोकम, ये मेरा नामकरण हुआ है लास्ट वीक। हाँ कोकम, बट कोकम से इसका क्या ताल्लुक? आप बोलते इसकी बात छुपाई है। कोई पता नहीं, कोई काली दाल, नहीं नहीं मसूर की दाल। हाँ। मसूर की दाल। ये भगवान, ये तो सब कुछ जानता है यार। मतलब आई टेल यू सलमान, यू आर ए वेरी जोकी टाइप ना। अरे मसूर दाल, आई मीन सॉरी सर, तूने सलमान भाई को बताया नहीं है? दादा आज आप मेरे बॉस के पास हो ना, इसके लिए आज आप बच गए। अरे बाप रे बाप, ये ले दादा, दिस इज टू मच। ये मुझे कोई बोलता था ना दादा, मैं तो छोड़ के चला जाता ना। हाँ दादा। दादा ये चाहता है कि आपको वो यहाँ से यहाँ पर बैठे और आप चले जाओ, मैंने बैठ गए। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि तूने क्या और एक बार कब बोल।
कि मेरे बॉस के पास बैठो इसलिए आप बच गए. अब तेरे बॉस का बॉस बैठा यहाँ पर. दादा दबंग कुछ बोल दिया मैंने तो ज्यादा एकदम. मतलब हर हफ्ते आप जो इधर मेरी क्लास लेते हैं ना तो मैं भी थोड़ा बहुत आपको बोल लेता हूँ, बट आज थोड़ा सा. नहीं नहीं ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी हैप्पी. बट ये बात सलमान को कैसे मालूम पड़ा और तूने क्यों नहीं बताई? आपने बताया होगा दादा. मैं मिला ही नहीं अभी मिला दादा से. यहाँ पर मंच पर हुई है बात. कौन पहले आया स्टेज पे बताओ? पहले तो लाइटमैन और कैमरामैन आए. उसके बाद ऑडियंस आई. उसके बाद हम लोग तीन भी आए. उसके बाद यू डोंट नो दादा कम्स लास्ट. व्हाई? दादा लाइफ के अंदर ऐसे कितना टाइम हुआ होगा आपके साथ के कॉल शीट 9 बजे. हाँ कॉल शीट 9 बजे या 7 बजे का कॉल शीट है. हाँ सुबह का सनराइज शॉट है. मैं सनसेट में देता हूँ. ऑडियंस को क्या बताया यार, क्या सनराइज कौन सा है सनसेट कौन सा है. उधर ही अरे वो क्या सन उधर ही चाहिए ना नीचे. हाँ मास्टर मुदस्सर अब इंट्रोडक्शन हो गया है बराबर, सब जान चुके हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं कि क्या हो रहा है इस शो पर. तो अब आप बताइए कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? कोरियोग्राफी में कंट्रोल. सॉरी सर. I know, he's getting very emotional. Salman ne aaya to. That's love, buddy. That's love. Yehi to respect hai, isse zyada kya hai? Tum jo Salman ko itna pyar karte ho, izzat karte ho, yehi to hai. That's it. I'm proud of you, buddy. फिरोज मैं जैसा कितना काम किया, तू नहीं रोया यार? मैं रोऊंगा अभी. एक्चुअली वो मॉल में हम लोग मिले. मॉल में हम लोग मिले थे तो तभी और आज 3 साल हो गए तो साथ में काम करते. अबे तू इंप्रेशन गलत दे रहा है. हाँ मतलब वैसा नहीं. हाँ वैसा नहीं मतलब के मॉल में हम लोग मिले थे 3 साल हो गए तो मैं. हाँ मतलब सर ने मुझे वहां तभी देखा था मेरे शार्प शूटर के साथ में परफॉर्म करते हुए तो उसके बाद उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो अच्छा काम किया. मुदस्सर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. यू आर वेरी प्राउड ऑफ यू मुदस्सर एंड सलमान भी एंड फिरोज एंड श्रुति वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस. एंड आपके तीनों जजेस और ग्रैंड मास्टर के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ. तालियां इस बात पे बदरी ना कि मैं काम कर चुका हूं इनके साथ. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जहां पे मेरी डांसिंग थोड़ी सी अच्छी हुआ करती थी ना वो इन तीनों की भी बदौलत है वो. क्या बात है. हाँ मदद सर बोलो. सबसे पहले आई एम वेरी लकी हियर टू हैव सलमान सर ऑन दिस इन दिस एपिसोड और जिसमें मैंने कोरियोग्राफी की है जय हो में वो सॉन्ग. इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है. तो सुपर परफॉर्मेंस, मेंटेन दिस स्पीड, मेंटेन दिस एटीट्यूड और बढ़ाते रहो इसको. आई होप इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचोगे आप लोग. सो यू गाइस आर रियली बूम फायर. दादा आपने एक चीज नोटिस की दादा कि फर्स्ट टाइम मैंने जजेस को इतना क्लियर कट एक्सप्लेन करते हुए सुना है तीनों को. इतने डिटेल के साथ देव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग और एक अलग ही मीनिंग दे दिया है इन इस एक्ट का. और हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था. हर एक ने अलग अलग चीजें बोली हैं. दैट्स डीआईडी बड़ी. दैट्स डीआईडी. स्वराली वैसे आप कुछ कहना चाहती थी मुझे मालूम है तो प्लीज कहिए.
मुझे पता है कि यहाँ जो भी आएगा वो एक ही रिक्वेस्ट करेगा सर से कि सर आपके साथ एक डांस करना है, आपके साथ एक डांस करना है, पर मैं वो नहीं करने वाली बिकॉज वो सब करेंगे. मुझे ना खाना खाना बहुत पसंद है और मुझे सर ने बोला है कि आपको भी खाना खाना बहुत पसंद है, अलग अलग चीजें ट्राई करना सच है. प्लीज हाँ मुझे. हाँ है, सच है. सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ लाने वाली हूँ, क्या आप खुद वो बना के मुझे खिलाओगे प्लीज? देखिए एक्चुअली ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे दादा का है. क्योंकि I was coming to it. मुझे दे समझ गया था. देखो दादा एवरीवन नोज दैट ही ये बहुत अच्छा खाना पकाते. एवरीवन नोज दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर. ग्रेट एक्टर मतलब कि इज द बेस्ट एक्टर, सुपर्ब एक्टर इज. हम लोग दादा को फिल्म के अंदर फादर के इंपॉर्टेंट रोल्स के अंदर एक्टिंग की वजह से नहीं थे. हमारे लंच में क्या था, हमारे डिनर में क्या, उसके वजह से काम करते. क्योंकि क्या होता है, रेडी रेडी चलो, ऑलमोस्ट वी स्टेड टुगेदर ओनली. तो दादा निकलो, दादा 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 लंच में क्या, दादा यार वो क्या 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 सरसों वाली मच्छी और फिर दही भिंडी, परफेक्ट दादा, अच्छी दादा अच्छी. अच्छा एंड देन लंच पे, लंच के टाइम पर दादा आज डिनर. तो दादा एक दिन आया ऐसे थके हुए, जैसे दादा डिनर का, अब रुका यार. दिन भर घोड़ा चला रहा है, उसके बाद किचन के अंदर भेज रहे तो ना मेरे को. अब दादा फर्स्ट डे, हाँ फर्स्ट डे है सर, घोड़ा अभी घोड़ा. अच्छा टाइम के बाद चला गया वाइब्रेशन. अरे अरे कौन सा घोड़ा दे दिया मेरे को यार. उसके बाद एक दो राउंड मारे, फिर दादा फुल गैलप के अंदर, फुल गैलप. जैसे अब मैं नीचे उतरूंगा तो वापस बैठ नहीं पाऊंगा. ऐसा पूरा दिन मेरे को इसी बैठ के जितने शॉट लेने ले लो. और दादा यार ये सब चल रहा है. दादा ओके, दादा पैकअप. दादा सुपर वर्क दादा, ये साले उतार दे घोड़े से. दादा गॉट ऑफ द घोड़ा और कसम से जो बैठक थी ना दादा की, वैसी दादा की चाल भी हो गई. और दादा को देखा, मैं दादा ये क्या, यार सालों के बाद घोड़े पे बैठा हूं यार मैं. ऐसे दादा अभी क्या अल्लाह डिनर का क्या, अबे जो दादा भागे फैंटास्टिक. हाँ तो स्वराली अपनी मन की बात पूरी बता ही दो, क्या कराना चाहती हो सर? पर प्लीज सर बहुत इजी. हाँ जी हाँ मैं बना लूंगा आपके लिए, लेकिन चखूंगा पहले मैं. चलेगा चलेगा, आप प्लीज टीच मैं आपकी. अरे बुड्ढी का बात. हाँ तो इंडियन टेलीविजन पर पहली बार सलमान खान बना रहे हैं बुड्ढी के बाल, जोरदार ताला हो जाए. पहले की स्वराली इस बुड्ढी के बाल पर हमला करे, मैं दिखाना चाहूंगा, अरे वाह, मैं दिखाना चाहूंगा हिंदुस्तान का सबसे महंगा बुड्ढी के बाल, लाखों रुपए में ये जाने वाला है. दादा ये शुगर और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये शुगर और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चीज है. सलमान भाई सलमान भाई स्वराली तो ऐसे ही सूखी सूखी रह गई बेचारी. सोचा था कि आएगा मेरे मुंह में भी आएगा. आपके हाथों से मैं भी एक 25,000 रुपए का बाइट मैं लेकर जाऊंगा, लाखों में से.
क्या बात है, हिंदुस्तान का सबसे पहला और महंगा गुड्डी के बाल हम सब ने चखा है, सबके हाथों से 25-25 हजार रुपए आए हैं। जोरदार ताला हो जाए सलमान खान के लिए। और बच्चा पार्टी आप लोग भी जल्दी करो यार, क्योंकि कल ही लिटिल मास्टर सीजन 3 के ऑडिशंस का लास्ट दिन है। तो सोचो मत, अगर डांस का बाप बनना है तो कल यानी 19 जनवरी को पहुंच जाइए मुंबई, जहां आपके लिए आखिरी चांस है लिटिल मास्टर 3 का हिस्सा बनने का। सो गेट सेट गो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। पिछले हफ्ते लिटिल मास्टर्स के साथ अपनी ट्रायो परफॉर्मेंस में ट्रिपल ग्रैंड सैल्यूट जीत चुके हमारे मास्टर श्रुति के वीर आज दिखाने आ रहे हैं अपनी जाने मन की कहानी। पेश है श्रुति के शानदार से पुणे के बीट किंग सुमेध और करनाल के कूल डूड मनन सचदेवा। जोरदार ताला हो जाए। सुख दुख उतार चढ़ाव ये तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर उस ऊपर वाले ने जिंदगी के हर मोड़ पे एक फरिश्ता भेजा है। कभी माता पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में। रुकी रुकी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ सब रास्ते पर तेरी राह नहीं। तो कभी एक गुरु के रूप में। दर्द है सौ रातें और ये हमारी तरफ से ऐसे ही एक खुदा के नेक फरिश्ते के लिए। सुपर रॉकिंग परफॉर्मेंस, जोरदार ताला हो जाए मनन और सुमेध के लिए। डेजी for the performance, thank you. सलमान आप बोलो पहले।
दादा क्या बोलूं दादा, ये होता ना एक डिप्रेस करना, बट एक भावुक करना, एक इमोशनल करना, एक आदमी में फिर से फायर लाना, एक फिर से जज्बात जगाना थ्रू अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, थ्रू सॉन्ग एंड थ्रू डांस. मैंने और अकी ने ये गाना किया है. आई डोंट थिंक कि हम नॉट इवन 1% टू व्हाट दीज बॉयज हैव डन. हमारे पास पूरा बजट था, बड़ी फिल्म थी, स्क्रीन प्ले था, डायलॉग्स था, हर चीज थी हमारे साथ, बैकिंग, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, एवरीबॉडी. ये दो लड़के, एक गाना, एक ये सेट, एक वॉइस ओवर, अनबिलीवेबल. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब तक ऐसे लड़के, ऐसे टैलेंट आते रहेगा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता दादा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस यार. और ऐसे ही करते रहना और हम लोगों को चार्ज करते रहना. जरूर सर. जब आप परफॉर्म कर रहे थे हर एक स्टेज पर, गुरु, फ्रेंड, from there I was seeing myself in you. No, it took me back to my those days. That's why I cried. I'm not sad, it just reminded me of really sweet moments in my life. Thank you so much. आम तीनों की तरफ से ग्रैंड सलूट आप. फिरोज तुम बोलो. सुमेध एंड मनन, हमेशा की तरह आप लोग बेहतर से बेहतर होते जाते हो. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, फॉर मी इट इज अ फेरोशियस परफॉर्मेंस. थैंक यू. बिगिनिंग में आपने मनन कंटेम्प्रेरी से स्टार्ट किया थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया कि क्या मनन पूरे परफॉर्मेंस में कंटेम्प्रेरी करने वाला है. तो आई वॉज लिल स्केर्ड, बट द वे यू पुल्ड इट, धीरे धीरे आप सुमेध की एंट्री हुई, उसके बाद दोनों ने जो जमाई है पूरी महफिल में, इट वॉज लाइक एवरी वन वॉज कनेक्टेड. वो जो आपका बेल का पोर्शन था जहाँ से आपने बेल थ्रो की और मनन आपने कैच की और वापस उसको आपने पास किया, वो पासिंग बहुत टाइमिंग पे थी, बहुत क्लीन थी. नक्शे कदम वाला पोर्शन आया जहाँ आपके हाथों पे वो तलवार रख के चल रहे हैं. सुमेध जिस तरह से आपने उसके हैंड को पास किया थ्रू रोलिंग थ्रू फ्रंटल, बहुत डिफिकल्ट, वेरी नाइस. टेक्निकलिटी तो एक साइड है, बड़े जो एक होता है कनेक्ट, दैट कनेक्ट यू मेंटेन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बिकॉज एवरीबडी वॉज कनेक्टेड फॉर दैट कनेक्ट. यू गाइज आर बूम फायर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. मास्टर श्रुति, मनन और सुमेध के लिए मैं कहना चाहूंगी उनके जर्नी के शुरुआत से लेके आज तक का परफॉर्मेंस, जो मतलब आई थिंक बोथ ऑफ यू एज परफॉर्मर्स आर फ्लाइंग. अभी एक साइड पे मैंने कहा है कि फ्लाइंग है, बट दूसरे साइड पे हम लोग और मेहनत करते रहेंगे, करेक्ट ना? प्रॉमिस. वेरी गुड. सुमेध एंड मनन, फॉर मी दिस परफॉर्मेंस इज साथ में अजंबारी जिरी जिरी जैम अटैक परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच मास्टर श्रुति. प्लीज टेक अ सीट.
सलमान सर, मैं आपका बहुत 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 बड़े वाला फैन हूँ। वो चेंज हो गया, मैं तेरा बहुत 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 बड़ा फैन हो गया मैं तेरा। अरे वाह, दोनों का। प्लीज आप मेरे लिए दो स्टेप करके दिखाएंगे जो आपके फेवरेट सिग्नेचर हैं। ओ, एक तो प्लीज सर, प्लीज मेरे को दिखाओ सर, प्लीज मेरे को बहुत देखने की चाह। ये करेगा तो फिर मसूर दाल जाओ। I'll appreciate if Daisy ma'am will join me. Dada, grandmaster on stage. Dada, step bahut simple hai. Hold, hold this. Pak mein haath dalna hai, idhar dekhna hai, aur aisa aisa karna hai. Dusra step, dada. दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप ये दादा, ये कैसा चलना है और बस इतना ही खिलाने का बस। नहीं दादा ऐसे को जाने का नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। दो धाले हो जाए हमारे दबंग डांसिंग स्टार कोलकाता के विकी दास के लिए और फिरोज की फौज की दूसरी डांसिंग स्टार भुवनेश्वर की कंटोशन डॉल अरुंधति के लिए। दादा हाँ अरुंधति, हमें पता है कि रिहर्सल करते वक्त चोट लग गई है अरुंधति को। इवन विकी इज इंजर्ड बट विकी ने कहा कि मैं परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन सॉरी डॉक्टर ने कहा है अरुंधति आप तो नहीं कर पाओगी। डॉक्टर की बात हम पहले सुनेंगे। हेल्थ फर्स्ट। यस थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विकी। विकी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
This is called pure dancing, buddy. Pure dancing. Thank you, Grandmaster. और मुझे मालूम है किस हालत में तुमने क्यों ये डांस किया है, जबकि तुम्हारी जो पार्टनर है इंजर्ड है, आपने कितना कम वक्त मिला है आपको इसको उठाने के लिए। ये कल रात को ही हुआ है ग्रैंड मास्टर, अगर मैं आई एम वेरी श्योर। एंड आपने जो सलमान को जो ट्रिब्यूट दिया है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो क्या कमेंट्स देंगे आई डो नॉट नो, बट फ्रॉम माई साइड That's dancing. Pure dancing. That's dancing. Thank you, Grandmaster. Thank you. Thank you. Salman, आप बोलो। चलो, ladies first. क्या था ये? It was. I don't have words to say. Your dance, your popping, is outstanding. Thank you, man. Thank you. क्या मैं आपको आके हक कर सकती हूँ? अरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। विकी मम्मी से नहीं मिल रहा है? हाँ, कितना शर्मा रहा है भाई। हाँ भाई, कितने जल कुकड़। हाँ, जल कुकड़ को देख रहा हूँ। नहीं, कितना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आप वहां खड़े। कितना जल कुकड़ देखो, उसको तो मिला नहीं है हक। तभी प्लीज गो एंड हग हिम आल्सो। या अरे नहीं यार, क्या यार, चलो ए जली, ए जली जली, ए खूब जली। मैं एक बात बोलूं, खूब जल्दी दिख रहा है मेरी शक्ल पे, दिख रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं जला हूं इसलिए बिकॉज ये गाना मुझे याद आ गया, भैया मेरी राखी का बंधन तू निभान। गुजराती गुजराती भाई बहन, दादा चलेगा, गुजराती में बॉयफ्रेंड को भी भाई बुलाते हैं। सब चलेगा दादा। सलमान भाई, हाँ मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपकी उंगली में चोट लगी है। अगर मेरी उंगली में चोट लगती तो मेरे 4-5 दिन शूटिंग के कैंसिल हो जाते, आपके 5-6 दिन और। चोट लगने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, इस लेवल का परफॉर्मेंस देना, सोलो स्टेज पर किसी को फॉलो नहीं करना, कोरियोग्राफी फुल ऑन याद रखना, प्लस ये साले पॉलिटिक्स खेल रहे यहाँ पर, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, तो वो भी हो रहा था। उसके बावजूद आपने इतना बढ़िया किया है, इतना बढ़िया नाचे हैं आप, हैट्स ऑफ मैन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सलमान सर। चलिए फिर सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदस्सर से। फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे चालू हुआ, म्यूजिकल बीट्स बोलने तो ना, वो जो बीट्स आपने पकड़ी है एक एक, हालांकि वहां पर हैवी बीट्स नहीं थी, बट जो सॉफ्ट आपने पॉप पकड़ा है वहां पर, वेरी नाइस, वेरी क्लियर, वेरी स्टाइलिश। लेकिन मेरा दिल ऐसा कब हुआ अमल में, जब आपने क्रम्पिंग किया, दैट वॉज द मूव मैन, दैट वॉज द मूव। थैंक यू सर, सो वाइल्ड बट क्लियर। मेरे को वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें जो आपके साथ हुई है उसके बावजूद आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और स्पेशली फॉर दैट क्रम्पिंग पोर्शन, यू आर बूम फायर। बिकी, I enjoyed your popping more than crumping, because normally hits जब होते हैं overdo होते तो वो essence नहीं रहता popping का, लेकिन आप जब करते हो authentic
proper popping lagta hai. So I thoroughly enjoyed that. And God bless you. Wish you a speedy recovery and all the best. Master Feroz. Thank you, Vicky and Arundhati. Aaj ke liye because isliye Feroz ki fauj hai because fauji hi zakhmi hota hai aur fauji hi karta hai acche se. I just want to hug Vicky. Thank you so much, Vicky, for this lovely performance. All the best. Please take a seat. Thank you, sir. Zorda taale ho jaye. So, chaliye badhte hain is season ki pehli quicker dance ki takkar ki taraf. और इस टक्कर को लेकर आ रहे हैं वो डांसिंग स्टार्स जिन्होंने पिछले हफ्ते शेयर किया बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब. तो लेकर क्विकर डांस की टक्कर पेश है श्रुति के शानदार से बीट किंग सुमेद और कोलकाता के क्रम्पर डेडेविल विकी दास. सलमान सर आपसे शुरू करते हैं. आप बताइए आपको ये टक्कर कैसे लगी. अबे क्या शुरू करते हैं, तो खत्म कर दिया लोगों ने. दादा इतना टैलेंट भरा है इनमें, कूट कूट के भरा है टैलेंट. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस यार, अमेजिंग स्टफ, अमेजिंग स्टफ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सलमान सर. ग्रैंड मास्टर क्या बोलू अभी, दोनों को देख रहा था मतलब खेल रहे थे, दोनों म्यूजिक के साथ खेल रहे थे. यू नो दैट टॉप ऑफ इट, जिस तरह चाहे जैसे चाहे खेल रहे थे. लेकिन आज स्पेशली मुझे विकी बहुत पसंद आए कि
विकी बहुत स्लोली अपने शरीर का कंट्रोल रखते हुए, म्यूजिक का कंट्रोल रखते हुए, वेरी स्लोली ही वॉज गोइंग, यू नो, ही इज होल्डिंग एवरीथिंग एंड प्लेइंग इट अप. इफ आई हैव टू गो, आई विल गो फॉर विकी. ऑल राइट देन, तो क्विकर डांस की टक्कर के विजेता है विकी दास. All the best. Please take a seat. Jo data la ho jaa. ध्यान रहे जनता, हमारी वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक. तो जल्दी करिए, वोट करना शुरू कर दीजिए. इंडियन टेलीविजन पर पहली बार आपको वोट करने के लिए मिलेगा फ्री टॉक टाइम. मिस कॉल देने पर आपको मिलेगा एक प्रोमो कोड, और उस प्रोमो कोड को आप www.freecharge.com पर एंटर करें और आपको मिलेगा हमारे ग्रेटिफिकेशन पार्टनर www.freecharge.com की तरफ से फ्री टॉक टाइम. तो आज के सभी परफॉर्मेंसेज हो चुके हैं, और अब मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रैंड मास्टर हमें बताएं कि उन्हें किसका परफॉर्मेंस लगा है सबसे ज्यादा ऑल इन वन. ग्रैंड मास्टर, वी चैट ऑल इन वन परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब मिलता है मनन और सुमेध को. Congratulations Manan, congratulations Sumedh. आप हैं आज के वी चैट ऑल इन वन परफॉर्मर्स ऑफ द डे, और आपको मिलता है 50,000 रुपए का कैश प्राइज. वी चैट न्यू ऑल इन वन सोशल ऐप, जोरदार ताली हो जाए. और अब बारी है जनता के फैसले की, और जनता का फैसला मेरे पास है. विकी, अरुंधति और स्वराली, आप प्लीज मंच पर आ जाइए. जनता के फैसले के मुताबिक आप तीनों बॉटम थ्री में हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज ये मंच छोड़कर कौन जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते का नंबर वन डांसिंग स्टार कौन है. तो जनता के फैसले के मुताबिक हाईएस्ट वोटेड डांसिंग स्टार है मुदस्सर की मंडली से श्याम. कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम, जनता ने इस हफ्ते आपको ढेर सारे वोट देकर बनाया है इस हफ्ते का नंबर वन डांसिंग स्टार. तो आप तीनों डांसिंग स्टार्स में से आज किसी एक डांसिंग स्टार को ये मंच छोड़कर जाना होगा. तो आप तीनों में से वो पहला डांसिंग स्टार जो सुरक्षित है वो है विकी दास. आप सुरक्षित हैं, आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं. तो वो डांसिंग स्टार जिसके सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना इस साल अधूरा रह जाएगा वो है विटो. I'm using my veto power, no elimination. There'll be no super six, there'll be super seven. Aap dono surakshit hain. Thank you very much. So congratulations Swarali, congratulations Arundhati, aap bhi shamil hain hamare super seven mein. Zordaar taaliyan ho jaye. मैं सलमान सर एंड डीजी को थैंक यू कहना चाहूंगा था. थैंक यू सो मच. आप प्लीज मंच पर आ जाए, जोरदार ताला हो जाए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डीजी कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आए. एंड हमेशा की तरह आज हम फिर से बहुत खुश हैं आपको यहां पर देखकर.
'cause I will show and prove to you that I can be the someone special in your heart.